पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कोच द्रविड़ और कप्तान ने बनाया सबसे खुफिया प्लान। छुप छुप कर हो रही अफ्रीकी शेरों को हराने की बड़ी तैयारी। टीम इंडिया की जिस कमजोरी ताकत से सभी विरोधी टीमें हैं वाकिफ, उससे हटकर दूसरी रणनीति के साथ हो रही तैयारी। गिल ने ठोका तूफानी शतक। प्रचंड फॉर्म में इंडियन टीम को देख अफ्रीकी टीम में भरा दहशत का माहौल। सूर्या राहुल के बाद रोहित रचेंगे इतिहास। टेस्ट सीरीज पर भी होगा भारत का कब्जा। जी, टीम इंडिया अफ्रीका दौरे पर एक के बाद एक कई इतिहास रचती जा रही है। टीम इंडिया के साथ कई खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से अफ्रीकी शेरों की नींद हराम करने में लगे हुए हैं। इस अफ्रीकी दौरे की शुरुआत सबसे पहले T20 सीरीज से हुई, जहां टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सीरीज को ड्रॉ करवाया। तो वहीं KL राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचा और दूसरी बार अफ्रीका में कोई वनडे सीरीज अपने नाम की। ऐसे में अफ्रीकी मैदान पर टीम इंडिया इस बार टेस्ट सीरीज अपने नाम करने के इरादे से 26 दिसंबर को पहले टेस्ट में उतरने वाली है। बताते चले कि टीम इंडिया अभी तक अफ्रीकी मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। बताते चले कि तीनों फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया ने अलग अलग कप्तान नियुक्त किया था। जहां सूर्या ने T20 सीरीज बचाई, तो वहीं KL राहुल ने वनडे में इतिहास रचा और अफ्रीकी मैदान पर सीरीज जीतने वाले इंडिया के दूसरे कप्तान बने। टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में मुकाबला खेलना है और तीनों में अलग अलग कप्तान है। ऐसे में दो में लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब तीसरी और सबसे कठिन लड़ाई जल्द शुरू होने वाली है। टीम इंडिया टेस्ट मुकाबले में उतरने से पहले छुप छुप कर खास रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर रही है और इस खुफिया तैयारी की भनक तक अफ्रीकी टीम को नहीं लग पाई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन किसी खास रणनीति के साथ कोच और कप्तान अपने खिलाड़ियों की तैयारी करवा रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं। यानी ना तो इसका कहीं प्रसारण हो रहा है और ना ही स्टेडियम में किसी को देखने की अनुमति है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया मैदान में उतरने से पहले जमकर पसीना बहा रही है। अभ्यास मुकाबले में टीम इंडिया के सभी धुरंधरों का बल्ला जमकर गरज रहा है और गेंदबाज भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि 3 दिवसीय अभ्यास मुकाबले में टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा है। खबरों के मुताबिक इस अभ्यास मुकाबले में तीसरे नंबर पर उतरे गिल ने प्रिटोरिया टक्स ओवल के मैदान पर यह शतक जड़ा है। टीम इंडिया किसी स्टेडियम में यह तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि सेंचुरियन मैदान से करीब 45 मिनट की दूरी पर एक पार्क में यह अभ्यास चल रहा है। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिला है कि क्रिकेट में कोई स्टेडियम से दूर अपनी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ फुटबॉल की ही टीमें ऐसी थी जो बंद दरवाजे के भीतर अभ्यास करती है। उस अभ्यास मुकाबले को देखने और कवर करने की अनुमति सिर्फ मीडिया को होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकाबला शुरू होने से पहले उन्हें भी बाहर जाना पड़ता है और सिर्फ कोच ही मौजूद होता है। बताते चले कि समय समय पर भारतीय क्रिकेट टीम भी किसी खास दौरे पर बंद दरवाजे के भीतर कई बार तैयारी करती नजर आई है। इस मुकाबले में गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक जड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ की उंगली की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसे में गायकवाड़ पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल बंद मैदान या स्टेडियम से दूर तैयार करने की जो रणनीति है, उसके मुताबिक भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग को लीक नहीं करना चाहता, क्योंकि अफ्रीकी मैदान पर टीम इंडिया की कौन सी कमजोरी है जो हार की वजह बनती है वो सभी को पता है। ऐसे में उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज भी अपने नाम करते हुए इस दौरे को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। फिलहाल ये खुफिया प्लान किस तरीके से और कितना असरदार साबित होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। टेस्ट सीरीज से कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, जिनमें रोहित, विराट, अश्विन और बुमराह शामिल हैं। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।